हेलो वेलकम टू मैथ्स ड्राइविंग सेंटर। सो आज हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे जो कि है प्रोबेबिलिटी का, बहुत ही यूजफुल टॉपिक है, सब जगह पे है, तो देखते हैं कैसे चलाते हैं। इन अ लीप ईयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज और 53 मंडे इज, ठीक है, आपको पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, तो ये तो हम लोग को पता ही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एनी इवेंट क्या होता है, नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू दैट इवेंट बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, ये तो बेसिक फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। लेकिन यहां पे कैसे यूज करें, यही मेन बात है ना। तो कैसे करना है सोचिए, अभी यहां पे देखिए इवेंट कितना है, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज और 53 मंडेज, यहां पे दो इवेंट है अलग अलग, ठीक है, 53 संडे मिलने का और 53 मंडे मिलने का, ठीक है। तो मान लेते हैं यहां पे दो इवेंट है ए बी, और दिया हुआ है ना, तो और को हम लोग यूनियन ट्रीट करते हैं, ठीक है, इन मैथमेटिक्स, और को यूनियन, और एंड को हम लोग इंटरसेक्शन मीन करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पूछा गया इन शॉर्ट कि पी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, यहाँ पे यही पूछा गया कि पी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, यहाँ पे ए क्या है गेटिंग 53 संडे, बी क्या है इवेंट ऑफ गेटिंग 53 मंडे, ठीक है, और मतलब यूनियन। तो इसका एक फॉर्मूला है, पहले हम लोग फॉर्मूला से करेंगे, पी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान में रखना है, याद में आना है ये, ठीक है। तो पहले हम लोग को पी ऑफ ए निकालना है, पी ऑफ बी निकालना है, ये निकालना है, फिर हो गया आप लोग का आंसर। मतलब क्या निकालना है, पहले पी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडे निकालना है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 मंडे निकालना है, ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे। तो कैसे करेंगे ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडे कैसे निकालेंगे, तो आपको क्या करना है, देखिए इन लीप ईयर पूछा गया है, लीप ईयर में कितना दिन होता है हम लोग के पास, 366 डेज होता है कि नहीं, और वीक में कितना दिन होता है, 7 दिन होता है, वीक में हम लोग के पास 7 दिन होता है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, ऐसा टाइप के क्वेश्चन आने से आपको डायरेक्ट 7 से डिवाइड कर देना है, ठीक है, लीप ईयर पूछा गया इसलिए मैंने 366 दिया, अगर सिंपली ईयर बोलता तो यहाँ पे आपको 365 देना पड़ता, तो आप 7 से डिवाइड कर दो, फर्स्ट स्टेप, तो डिवाइड कर दो क्या आ जाएगा 35, और यहाँ पे 52, 14, 2 रिमाइंडर आ गया, 52 क्वेश्चन। मतलब यहां से हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि 52 वीक्स तो हम लोग के पास रहेगा ही, एक लीप ईयर में 52 वीक्स तो रहेगा ही, प्लस 2 दिन बच रहा है हम लोग के पास, रिमाइंडर 2 दिन बच रहा है, ठीक है, प्लस 2 डेज, मतलब यहां पे 52 संडेज या 52 मंडेज तो आएगा ही, आपको इन दो में से चेक करना है, इन दो में से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो रिमाइंडर बचेगा इसका पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाना है, ठीक है ना, दो दिन बचा हुआ है, तो अभी हम लोग के पास 2 दिन क्या क्या रहेगा ये तो हम लोग को नहीं पता, कब एंड होगा वीक, ठीक है, तो हम लोग को पॉसिबल कॉम्बिनेशन देना है, लाइक संडे मंडे ये हो सकता है 2 दिन, ठीक है, फिर मंडे ट्यूजडे भी हो सकता है, ट्यूजडे वेडनेसडे भी हो सकता है, फिर वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे एंड सैटरडे संडे, ये हो सकता है, यही हो सकता है ना, 2 दिन का कॉम्बिनेशंस, वीक कब खत्म होगा हम लोग को नहीं पता, ठीक है। ये यहां से आपको क्लियर होना है कि 52 संडे और 52 मंडे तो आएगा ही लीप ईयर में, तो ये आपको निकाल देना है, ठीक है। अभी आपको 2 दिन बचा है, जितना बचेगा इसका कॉम्बिनेशन लिखना है, ये है स्टेप। तो मतलब हम लोग के पास क्या क्या दिन आ सकता है, 2 दिन में से संडे मंडे, मंडे ट्यूजडे, ट्यूजडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, यही आ सकता है। अभी आप लोगों को बस चेक करना है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या है, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब टोटल नंबर ऑफ केसेस यहाँ पे 7 ही रहेगा, ठीक है। अभी यहां से हम लोग निकाल सकेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज, मतलब 52 संडे तो आ ही गया हम लोग के पास, और एक कितना संडे चाहिए, एक संडे चाहिए, एक संडे कहां कहां आ रहा है, देखिए ये अगर केस ले, संडे मंडे में एक संडे आ रहा है, ठीक है, यहां पे नहीं आ रहा, यहां पे नहीं आ रहा, यहां पे नहीं आ रहा, सैटरडे संडे में भी एक संडे आ रहा है, मतलब ये दो कॉम्बिनेशन अगर हम लोग ले तो वहां पे संडे आ रहा है, मतलब 53 संडे का पॉसिबिलिटी है, तो नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू ए क्या आ जाएगा, 2, ठीक है, तो पी ऑफ ए क्या आ जाएगा हम लोग के पास 2/7, ठीक है, ये आप लोग को समझ में आना है,
सिमिलरली पी ऑफ बी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 मंडे, तो 52 मंडे तो आ ही रहा है वो आप गोली मारिए। आपको चेक करना है कि और एक मंडे किस में आने का पॉसिबिलिटी है, संडे मंडे में पॉसिबिलिटी है, मंडे ट्यूजडे में पॉसिबिलिटी है, बाकी में है क्या नहीं है। तो यहां पे भी पी ऑफ बी क्या आ जाएगा 2 और टोटल नंबर ऑफ केसेस 7, ठीक है। तो पी ऑफ बी भी 2/7 आ गया। अभी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब 53 संडेज एंड 53 मंडेज, मतलब 52 संडे मंडे तो आ ही रहा है 52 वीक्स में, मतलब आप लोग को और एक दिन चाहिए और एक दो दिन में संडे मंडे दोनों आना है, एंड एंड दोनों आना है। तो आपको चेक करना है ऐसा हो कि हो रहा है क्या, यहाँ पे हो रहा है क्या। देखिए फर्स्ट केस में संडे मंडे दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो यहाँ पे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा 1/7 और संडे मंडे तो नहीं आ रहा, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग ने ये बना दिया ना उसके बाद काम खत्म है। देखिए 2/7 पी ऑफ ए आ गया, पी ऑफ बी आ गया, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया, ये आपको समझ में आया ना। ए इंटरसेक्शन बी मतलब 52 संडे मंडे तो आ गया, उसके बाद और एक दो दिन ऐसा चाहिए जहां पे संडे भी आ रहा है मंडे भी आ रहा है, मतलब 53 संडे भी हो रहा है 53 मंडे भी हो रहा है एंड दोनों, तो इसलिए संडे मंडे ये लेना है, तो 1/7 आ गया, क्लियर है, ठीक है। तो इसको आप लोग पुट कर देना है, यहाँ पे देखिए 2/7 प्लस 2/7 माइनस 1/7 तो 4/7 माइनस 1/7 3/7 ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग गलती क्या करते हो, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी कर देते हो, ये नहीं लेते हो, ठीक है। ये तभी हम लोग नहीं लेते जब इंडिपेंडेंट होता है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे ये लेना पड़ेगा। और आप लोग डायरेक्ट यहां से भी बोल सकते हो, ठीक है, ये अगर आप लोग को ये फॉर्मूला भूल गए, आप लोग ने यहां तक आप लोग पहुंच गए, ठीक है, ये केसेस बना लिए आप लोग दो दिन में से, ये केसेस बना लिए, आप लोगों को क्या पूछा गया 53 संडेज और 53 मंडे, 52 वीक तो चला गया, आप लोगों को देखना है कि एक संडे या एक मंडे, ठीक है, और दोनों एक साथ कब आ रहा है, और मतलब क्या, आइदर मुझे ये चाहिए या ये चाहिए, अगर मेरे पास दोनों ही आ गए तो भी सही है, अच्छा है। तो देखिए संडे मंडे में यहां पे दोनों ही आ रहे हैं, एक चॉइस, मंडे ट्यूजडे में मंडे एक बार आ रहा है सेकेंड, यहाँ पे कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा, यहाँ पे आ रहा है संडे एक बार आ रहा है, तो ये भी चॉइस आ गया। तो डायरेक्ट 3/7 इज द फाइनल आंसर, ठीक है, यहां से अगर आप लोगों को फॉर्मूला में कुट नहीं करना, ठीक है, ये समझना है संडे और मंडे, मतलब संडे आने से भी चलेगा, मंडे आने से भी चलेगा, और अगर दोनों आ जाए तब भी चलेगा, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो यही है, ऐसे करते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आप लोग को, अगर फॉर्मूला में जाए तो ये पुट करना है, ठीक है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी पुट करना है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को अच्छे से क्लियर हुआ, तो अगर डाउट है कुछ भी तो आप लोग कमेंट करके बोल सकते हो या रीच आउट कर सकते हो मुझे, ठीक है। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, बुरा लगे तो डिसलाइक कर देना, अगर अच्छे समझ में आए तो शेयर कर देना आप लोग के फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब भी कर देना। और यही था, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर टाइम, सॉरी अगर कुछ गलती हुआ, तो तब तक चलते रहिए, चलाते रहिए, खुद की गाड़ी को आराम से मिलता है।